देखिए, संभाग की बात करते हैं तो अभी कल की खबर है, मीडिया 142वें पायदान से 150वें पायदान पे पहुंच चुका है। भारत का मीडिया आजादी के मामले में जब एक आदेश हो जाता है हाई कोर्ट का कि आप बुलडोजर को रोक दीजिए, जब कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो आप खुद ही जान रहे होंगे कि इंसाफ कौन कर रहा है। जो राजनीति है उसको सफाई की जानी चाहिए। उस राजनीति के अंदर जो घटियापन है, 47% लोग क्रिमिनल्स हैं जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये केवल आदिवासी को गुमराह करके इनके हाथ में बंदूक थमाया जा रहा है, शासन के खिलाफ लड़वाया जा रहा है और पूरे पैसा लेकर, ठेकेदारों से पैसा लेकर बटोर कर ये पूरे बाहर लेके जा रहे हैं नक्सलवाद। इनको शासन भी इनको यूज कर रही है, इनके साथ शोषण कर रही है, न इनको पुनर्वास योजना का लाभ दे रहे हैं और इनको पुनः गोपनीय सैनिक बना के, सूचना तंत्र बना के इनको नक्सलियों के बीच में भेजा जाता है और इनको मार दिया जाता है, तो इनके पास जो इनाम की राशि रहता है उसको शासन खा जाता है। ऐसा हिंदू राष्ट्र जहाँ पर हमारे घर की बेटियां सुरक्षित हों, या ऐसा हिंदू राष्ट्र जहाँ पर एक MLA बलात्कार के बाद में एक महिला के पूरे परिवार को खत्म कर देता है। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में, मैं हूं आपके साथ फरीन सैफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे, जिस तरह से जो नक्सलवाद है वो हमला कर रहे हैं, गांव के लोग हैं, किसान हैं, काफ़ी सारी संख्या में यहां पे लोग बैठे हुए हैं, अपनी समस्याओं को लेके बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, पुरुष बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर लेकर आए हैं ताकि जो अपनी समस्याएँ हैं वो सरकार तक पहुँचा सकें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय प्रकाश गुप्ता है। क्या मांगे हैं जो आप छत्तीसगढ़ से निकल कर जंतर मंतर पर पहुँचे? आज जितने भी लोग हमारे साथ ये जो देख रहे हैं, ये पूरे नक्सल प्रभावित से हैं और नक्सल जिला से हैं और ये नक्सल पीड़ित हैं। किसी के भाई को मार दिए, किसी के पति को मार दिए, किसी के पिताजी को मार दिए हैं, ये ऐसे लोग हैं और इन लोगों के लिए शासन द्वारा नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना बनाया गया था, लेकिन पुनर्वास योजना सिर्फ कागजों में है, हकीकत में नहीं दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। आज छत्तीसगढ़ शासन, केंद्र शासन द्वारा सहायता राशि भी देने का प्रावधान है, वो भी राशि डकारा जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, और शहीद के परिवार को चपरासी की नौकरी दिया जा रहा है, और आज एक नेता है जो नेता मारे जा रहे हैं नक्सलियों द्वारा, उन नेता को बेटे को आज डिप्टी कलेक्टर बनाया गया हमारे छत्तीसगढ़ में। आज यह हाल है हमारे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ सरकार इस टाइप का अगर व्यवहार करेगी आम जनता के साथ में, तो उसको कौन साथ देगी? अच्छा, जो लोग शहीद हुए उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला, ना ही नौकरियां दी जा रही हैं। नहीं, मुआवजा भी नहीं मिला है, नौकरी भी नहीं दिया गया है। ऐसे 100 में से 10% को दिया है, 90% को नहीं दिया गया है, और बताया गया है कागजों में, ऐसा बताया जा रहा है कि हमने दे दिए लेकिन नहीं दिया गया है, और कागजों में ही गोलमाल किया जा रहा है, कागज दिखाया जा रहा है, हकीकत में नहीं दिया गया। अगर देते तो इतने लोग हमारे दिल्ली नहीं आते। अच्छा, मतलब जो 2001 में योजना बनाई गई थी वो अभी तक जमीनी स्तर पे उसका कुछ दिख नहीं रहा, जो पीड़ित लोग हैं ना उन्हें कुछ मिला। बनाई गई योजना का समय समय पर संशोधन किया गया है, लेकिन संशोधन के आधार पे पीड़ित परिवार को लाभ नहीं दिया जा रहा है। नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है, राशन कार्ड, बस पास, मकान के बदला मकान, जमीन के बदला जमीन, शासकीय नौकरी देने का प्रावधान है, ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए देने का प्रावधान है, लेकिन कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, कागज में दिया जा रहा है, हकीकत में नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, तो कब से ये जो नक्सल हमले कब से हो रहे हैं और अभी तक कितने लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी? आज से ये 20 साल करीबन हो गया है, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं नक्सल प्रभावित हैं ये लोग, और आज कम से कम छत्तीसगढ़ में 50,000 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, उससे कम नहीं है नक्सल पीड़ित परिवार। अच्छा, तो जो नक्सली हैं वो हमला करते हैं तो किस तरह से, क्या आते हैं गांवों में घुस जाते हैं या फिर गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं उन पर हमला करते हैं? नक्सलवाद तो ये सोचते हैं कि हम जंगल जमीन बचाने के लिए आदिवासी को गुमराह किया जा रहा है, जंगल जमीन नहीं बचाया जा रहा है। ये केवल आदिवासी को गुमराह करके इनके हाथ में बंदूक थमाया जा रहा है, शासन के खिलाफ लड़वाया जा रहा है और पूरे पैसा लेकर, ठेकेदारों से पैसा लेकर बटोर कर ये पूरे बाहर लेके जा रहे हैं नक्सलवाद, और इनको कहा जाता है कि हम जंगल ज़मीन बचाएंगे, हमको साथ दो, और ये वहाँ जाने के बाद भटक जा रहे हैं और वहाँ से फिर सोचते हैं कि हम इनके चुंगल से निकलें, इनके चुंगल से निकल के शासन के पास अगर समर्पण कर रहे हैं, तो इनको शासन भी इनको यूज कर रही है, इनके साथ शोषण कर रही है, न इनको पुनर्वास योजना का लाभ दे रहे हैं और इनको पुनः गोपनीय सैनिक बना के, सूचना तंत्र बना के इनको नक्सलियों के बीच में भेजा जाता है और इनको मार दिया जाता है, तो इनके पास जो इनाम की राशि रहता है उसको शासन खा जाती है।
इनके परिवार को नहीं दिया। अच्छा, जो सरकार है वो बोलती सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या आपको विश्वास नहीं है सरकार? नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है। अगर सबका साथ सबका विकास अगर शासन बोलती है तो तीन लोगों का सम्मान करना चाहिए, एक जवान, एक किसान, तीसरा ड्राइवर। तीन लोगों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, केवल इनको यूज किया जा रहा है। आज हमारे में शहीद जवानों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, आज हमारे पुलिस के जवान अगर शहीद हो रहे हैं तो इनको आज शहीद के परिवार को चपरासी की नौकरी दिया जा रहा है और अपने घर में कलेक्टर एसपी बर्तन मंजवा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये कितनी शर्मनाक वाली बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार इसको ध्यान दे गंभीरता से, और ऐसे मुद्दों को अगर ऐसे कोई किया जा रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। अच्छा, केंद्र सरकार बोल रही है, मोदी जी जब बाहर जाते थे कि देशवासी जो है भारतीय उनका सम्मान बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। मोदी सरकार क्या बोल रही है कि हम बाहर जाते हैं तो भारतीय को सम्मान मिल रही है। हाँ। यही कहना है मोदी सरकार, सम्मान बढ़ रहा है देश में, बाहर विदेशों में डंका बज रहा है। अब डंका बज रहा है मगर क्या है, कई सारी योजनाएं ला रहे हैं हमारे भारत में। मोदी सरकार जब बाहर जाने तभी ला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो योजना नहीं देख रहे हैं जो यहाँ पीड़ित है, यहाँ के जो खास पीड़ित है, यहाँ की जनता पीड़ित है, उसको मोदी जी को देखना होगा। आज जो नक्सल पीड़ित है, जो ड्राइवर है, जो पुलिस के परिवार है, पुलिस के जवान है, आज पुलिस के परिवार के लिए प्रत्येक जिला में स्कूल बनना चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्पिटल बनना चाहिए, शहीद के माता पिता को पेंशन मिलना चाहिए। इस चीज़ को मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी जी कई सारी योजनाओं को ध्यान दे रही है, बाहर जाके योजना ला रही है, हमारे देश का विकास कर रही है, लेकिन इस चीज में कमी है, इसमें ध्यान देना होगा मोदी जी को और इसका विकास करना होगा। अच्छा, सरकार तो राशन बांट रही है, आप बोल रहे हैं कि ध्यान नहीं दे रही, राशन बांट रही है, फ्री गैस सिलेंडर दे रही है, आवास योजना दे रही है। राशन बांटने से देश बचाव नहीं होगा, सिलेंडर देने से देश बचाव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात जो देश के लिए कर रहा है उसको सोचना होगा, उसके लिए विचार करना होगा, तभी ये देश बचेगा। ये राशन बांटने में और ये गैस सिलेंडर बांटने में कुछ देश का विकास नहीं होगा। अच्छा, वो तो कंपनी को प्राइवेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं कंपनियों को। कंपनी को बेचना नहीं चाहिए, लेकिन बेच रहे हैं वो भी ठीक है मेरे हिसाब से। क्यों ठीक है? क्यों ठीक है मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि आजकल शासकीय जो शासकीय काम है, शासकीय स्कूल है, आज शासकीय स्कूल में देखो आज जो टीचर है, आज उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। आज ये कर्मचारी इतने ये हो गए हैं कि आज हमारे बच्चे अगर शासकीय स्कूल में भेजेंगे तो वो पढ़ा नहीं रहे अच्छे से, तो इसलिए वो प्राइवेट जो कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, मेरे हिसाब से ठीक कर रहे हैं। कंपनियां प्राइवेट हो गई हैं, ड्राइवर परेशान है कि मनमानियां कर रही हैं अपनी। अब बोले कि ड्राइवर को सरकार को देखना चाहिए, अब ड्राइवर ही तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, ड्राइवर सरकार के खिलाफ कर रही है वो समझ रहा हूँ मैं बात को, लेकिन जैसा डीजल पेट्रोल का भी रेट बढ़ा दिया गया है, उस संबंध में भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मोदी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं सबसे सब कुछ भूल के मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जवान, किसान, ड्राइवर, ये तीन चीज़ को मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, इसी में भला है। अगर इन चीज को ड्राइवर को भला तो करवा रहे बुलडोजर चलवाकर, भला करवा रहे हैं बुलडोजर, तो हर जगह बुलडोजर नहीं चल रहा है भाई, यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ किए होंगे इसलिए बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, जिन लोगों ने गड़बड़ किए हैं वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। जहांगीरपुरी में बोलते हैं कि अवैध निर्माण है, वहाँ बुलडोजर चल जाता है, लेकिन वहाँ पे भी भेदभाव होता है। अवैध निर्माण है वहाँ, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। एक हिसाब से अगर उनका कब्ज था उस जमीन में, जब देश में सुप्रीम कोर्ट है तो क्या जरूरत है सरकारों को बुलडोजर चलवाने की, या फिर ड्राइवरों को विकास कर रहे हैं? सरकार को तो नहीं चलाना चाहिए इस मामला में, कोर्ट को ही चलाना चाहिए, कोर्ट के आदेश के आधार से सरकार को काम करना चाहिए। सर, आज से देश में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, अब यूपी में रेप हुआ, काफी सारी जगह पर रेप हुआ, आप बोल रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है? नहीं, रेप के बारे में मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहता हूं कि सही कर रही करके, मैं इस संबंध में बोलना चाहता हूं कि रेप करने वाले के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इनको तो फांसी का ही सजा होना चाहिए। अच्छा, जब जो रेप करता है वो जो दोषी है उसके साथ तो लोग खड़े हो जाते हैं? नहीं, उनके साथ लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे तो देखो सच आदमी के साथ में कोई खड़ा नहीं होता, गलत आदमी के साथ में खड़ा हो जाता है। सच आदमी के साथ में कोई खड़ा नहीं होता, अगर वो गलत कर रहा है तो उनके साथ में खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर कोई गलत कर रहा है उनको साथ ना दे, उनको सजा मिलना चाहिए, उनके लिए कार्रवाई होना चाहिए। अरे, सजा की बात हुई, अभी जो बजरंग मुनि थे उन्होंने बोला कि मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप करना चाहिए, लेकिन 10 दिन बाद ही बेल पे छूट गए वो। तो इससे तो आपको जो है एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि सत्ता की मंशा क्या है, कि किन लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इंसाफ किस आधार पे हो रहा है, धर्म के आधार पे हो रहा है या किस क्राइम के आधार पे हो रहा है। तो अगर वो छूट जाते हैं तो इसमें हमें बिल्कुल भी ये सोचना नहीं चाहिए कि वो क्यों छूट गए, क्योंकि ये तो जब एक मंशा स्पष्ट हो चुकी है सरकार की कि किस ओर हम जा रहे हैं, अब तो हमें एक मजबूत स्टेप लेकर के रुकना होगा। सजा का जो प्रावधान है वो तो सुप्रीम कोर्ट देता है, सजा तो सुप्रीम कोर्ट देता है ना, सरकार का फिर क्या काम उसमें। देखिए सजा सुप्रीम कोर्ट देता है, चलता हुआ बुलडोजर आपको बता रहा होगा कि सजा कौन दे रहा है। जब एक आदेश हो जाता है हाई कोर्ट का कि आप बुलडोजर को रोक दीजिए, जब कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है तो आप खुद ही जान रहे होंगे कि इंसाफ कौन कर रहा है। अच्छा वो तो बोल रहे हैं कि राम राज्य लेकर आ रहे हैं देश में, इस वजह से जो ये विकास के लिए और अवैध निर्माण है इसलिए बुलडोजर चला रहे हैं। देखिए राम राज्य की कल्पना जो है ना वो बहुत अच्छी कल्पना है। राम राज्य कैसा होगा, एक कल्पना हमारी है और राम राज्य की एक कल्पना भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी राम राज्य की वो कल्पना है जिसके अंदर हर व्यक्ति को शिक्षा मिले। शिक्षा सवालों को जन्म देती है, सवाल विकास करने के लिए ज़रूरी होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राम राज्य होना चाहिए, देश में एक भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से इसी तर्ज के ऊपर जो राजनीति है उसको सफाई की जानी चाहिए। उस राजनीति के अंदर जो घटियापन है, 47% लोग क्रिमिनल्स हैं जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उन 47% भी तो जनता ही रही है ना, उन्हें सत्ता में विकल्प नहीं है। आज हम क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप यहाँ आए हैं इसलिए क्योंकि आपको जो चीज़ें सही लग रही हैं आप उन चीज़ों को उठाने के लिए आए हैं, और ये जिम्मेदारी देश के युवा की है। क्योंकि एक चीज़ को अगर आप मान के चलिए, घर घर में बैठे हुए छोटे बच्चे हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते, हमारे घर में बैठे हुए बुजुर्ग लोग हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते। देश किस ओर चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मोदी जी तो बोल चुके हैं कि युवाओं के नेता हैं तो युवा तो उनके साथ चल रहे हैं। देखिए कहने से युवा साथ नहीं हो जाते। आज आप देख रहे हैं देश के अंदर लगभग 22 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, और अभी एक जो लेटेस्ट स्टडी आई है उसके अंदर ये स्थिति है कि तो आपको उन्होंने ऑप्शन में तो दे दिया है कि पकौड़ा बेच लो। अब सरकार जब रोजगार नहीं है तो और भी तो ऑप्शन दे रही है ना। देखिए पकौड़ा योजना कौन दे सकता है, चाय के साथ पकौड़ा चाहिए तो चाय के साथ पकौड़ा बेचेंगे, पकौड़ा जो तो पकौड़ा योजना जो है वो सबके लिए नहीं है। शहीदों का अपमान किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो जिस तरह से सरकार बोल रही है कि पकौड़ा बेच लो, एक चाय बनाने वाली जब प्रधानमंत्री बन सकते तो लोग पकौड़ा क्यों नहीं बेच सकते। देखिए पकौड़ा बन के बेच के अगर कोई वैज्ञानिक बन सकता है, पकौड़ा बेच करके अगर अगर हमारे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है तो मैं मानता हूँ कि पकौड़े भी बेच लेने चाहिए। लेकिन क्या सच्चाई में पकौड़ा बेचने से निर्माण होगा, क्या नाले की गैस से हमारे घर का सिलेंडर भरेगा या पैसे देकर भरेगा, तो हमें ये तय करना है और ये देश का युवा तय करेगा। देश के युवा के अलावा कोई इसे तय नहीं कर सकता। देश का युवा तो खुश है कि लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मैंने दोबारा आपसे बोला कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना, कैसा हिंदू राष्ट्र जहाँ पर हमारे घर की बेटियाँ सुरक्षित हों, या ऐसा हिंदू राष्ट्र जहाँ पर एक MLA बलात्कार के बाद में एक महिला के पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए। इनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना अलग है, हमारे राष्ट्र निर्माण की कल्पना अलग है। हम राष्ट्र निर्माण चाहते हैं और ये हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र में और राष्ट्र निर्माण में बहुत फ़र्क है। जो आप साथी देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं सभी साथी, और एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो दिल्ली पहुंचने वाला था लेकिन वहां से जो परमिशन है सरकार के द्वारा नहीं दी गई तो वो साथी यहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी कुछ साथी यहां पहुंचे हैं। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर जो अनाउंसमेंट सरकारों ने करी है, वो जो जितनी भी अनाउंसमेंट्स थी वो ज़मीन पर डिलीवर नहीं हो रही हैं। इसमें से बहुत से साथी वो भी हैं जिन्होंने जो कभी नक्सली रहे हैं, जिन्होंने सरेंडर किया है, जिनके नाम पर नाम से इनाम भी था, लेकिन वो इनाम सरकार देने की जगह इन लोगों को PN की नौकरी या प्रताड़ित करने का काम जो है वो किया जा रहा है, और ये लोग लगातार अपनी मांग वहाँ पर उठा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी किसी भी स्तर पर जब सुनवाई नहीं हुई तो ये तय किया गया कि ये प्रदर्शन जो है गुप्ता जी लीड करके लेकर आए हैं, ये प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में किया जाएगा। और इसी तर्ज के ऊपर आज जो है ये आंदोलन दिल्ली में हो रहा है और ये शुरुआत है, और अगर सरकार यहाँ से भी नहीं जागती है तो इस आंदोलन को हम एक बड़े स्तर पर लेकर भी जाएंगे। देखिए अगर आप ये बात करते हैं कि अजान या हनुमान चालीसा की बात हो रही है, तो आज आप जैसे जो साथी जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भूमिका कैसे बढ़ जाती है, अगर हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि देश में
जब भी एक पक्ष की सरकार होगी या एक पक्ष बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा तो देश की जनता परमानेंट विपक्ष में होगी, और परमानेंट विपक्ष का रोल जो है वो देश की जनता को निभाना होगा। और ये देश की जनता है जो यहाँ बैठी है, इन लोगों को किसी ने फंडिंग नहीं की है, ये लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके, अपनी जेब से क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसा खर्च करके, बस करके, अपना राशन लेकर, अपने स्टोव लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देश की असली जनता, देश की असली मालिक ये जनता है, देश के नेता या जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग इस देश के मालिक नहीं। आप जनता की आवाज़ को दबा तो ज़रूर सकते हैं, जनता की आवाज़ को दबा सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को कुचला नहीं जा सकता। आप एक भगत सिंह को मारेंगे तो हज़ार भगत सिंह पैदा होंगे। और भगत सिंह की बात मुझे याद आती है जिसमें भगत सिंह जी ने कहा था कि जब भी सत्ता बहरी हो जाती है तो गूंगे और बहरे को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। और आज जो ये धमाका होना शुरू हो चुका है, आज मैं एक क्रांति को लीड कर रहा हूँ, पूरे देश में जा रहा हूँ, अभी मैं पीछे कश्मीर भी होकर आया हूँ और अभी यहाँ से छत्तीसगढ़ भी जाऊँगा इन साथियों के साथ में। पूरे देश में उन लोगों को एकत्रित करने का काम हमारी टीम कर रही है जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन लोगों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। जो लोग आज बेरोजगारों की अगर मैं बात करूँ तो बेरोजगार साथी जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुके हैं। कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदना होना और उस पर राजनीति होना दोनों अलग अलग विषय हैं। कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदना होती तो मेरे साथ जाते, मैं वहाँ गया था। जिस दिन कश्मीरी पंडितों को बारामूला के अंदर विस्थापित किया है, आप में से अगर कोई साथी जाना चाहता है ना तो मेरे साथ जा सकता है। वो लोग एक स्लम की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक नर्क को भुगत रहे हैं वो लोग जिन लोगों को विस्थापित किया गया है। तो 8 साल हो चुके हैं, एक हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए आप, एक हिंदू गांव जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का भेदभाव ना हो, एक एक गांव तो बनाकर दिखाइए। आप हिंदू देश की बात करते हैं, हिंदू एक बहुत बड़ा लफ्ज है जिसके अंदर पूरे पूरे संसार को हम समा सकते हैं। देखिए, मैंने आपकी बात का जवाब पहले ही दे दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये सवाल जरूर उठेगा। मैंने बोला आप हिंदू राष्ट्र छोड़िए, एक हिंदू गांव, एक हिंदू आदर्श गांव बनाइए, पहले दिखे तो सही कि वो कितना सुंदर है, कितना सौहार्द है उसके अंदर, कितनी एकता है उसके अंदर। तो सरकार राम राज्य, देखिए अखंड भारत की जो निर्माण करने की जो बात कर रहे हैं ना, आप उनसे एक सवाल पूछ लीजिए, वो 90 साल से नहीं, 2026 में 100 साल होने वाले हैं उनको, उनसे आप रोड मैप पूछ लीजिए एक बारी। अच्छा, अगर अखंड भारत का रोड मैप चाहिए तो मैं अखंड भारत का रोड मैप भी देने को तैयार हूँ। आप मुझे अकेला देख रहे हैं, मैं पूरे देश में काम कर रहा हूँ। आरएसएस के पास रोड मैप नहीं? बिल्कुल नहीं है, दावे के साथ कह सकते हैं नहीं है। अगर अखंड भारत का रोड मैप होता, अखंड भारत देश की जनता को तोड़कर नहीं किया जा सकता, सबका साथ लेना होगा। कौन कहता है कि देश में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं हो सकते? बताइए, आप में से कोई गारंटी ले सकता है कि एक धर्म में ही केवल इंटेलिजेंट लोग पैदा होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म के अंदर पैदा हो सकते हैं। क्रिमिनल केवल एक ही कम्युनिटी में पैदा होगा, ऐसी कोई स्टडी नहीं है, ऐसा कोई दावा नहीं है। क्रिमिनल आज हमारे देश में जाति और धर्म देखकर तय किए जा रहे हैं। क्रिमिनल तो किसी भी धर्म में हो सकता है, उसका कोई जाति धर्म है ही नहीं। किस धर्म में नहीं है? सिख में नहीं है क्या? मैं सिख हूँ, मैं जानता हूँ ना, सिख धर्म में भी क्रिमिनल है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा। मोहन भागवत को आप क्रिमिनल मानते हैं? देखिए, मैं निजी तौर पर किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, कौन व्यक्ति क्रिमिनल है, कौन व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है। अगर आप बात करते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि एक किसी व्यक्ति के ऊपर आप स्टैंप लगा दें, एक दल के ऊपर स्टैंप लगा दें, स्टैंप लगाने का काम हमारा नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से काम जब तक नहीं करेगी तब तक आप इसकी जांच नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब किसान आंदोलन जो दिल्ली में आकर बैठा था, उनके ऊपर खालिस्तानी साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, पूरा तंत्र खालिस्तानी साबित करने पर लग गया, लेकिन लास्ट में जाके प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगते हैं और किसान आंदोलन की मांगें मान ली जाती हैं। देखिए, देश तोड़ने का काम जो है कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, पूरे देश के अंदर बहुत सारी संस्थाएँ हैं। मैं किसी एक संस्था को चिन्हित नहीं करूँगा, लेकिन हम एक एक संस्था को जवाब देंगे,
बिल्कुल जवाब देंगे, आने वाले समय के अंदर जवाब देंगे। और अखंड भारत निर्माण की जो हम बात कर रहे हैं, अगर उन संस्थाओं में से भी लोग आना चाहेंगे कि जो सच सही मायने में जिनको बहका करके गलत काम पे लगाया जा रहा है, अगर वो लोग भी अखंड भारत निर्माण के लिए हमारा साथ देना चाहेंगे तो मैं उनका खुले दिल से आमंत्रित करना चाहूंगा। कि देश को तोड़ने की बात हो रहे हैं, मोदी जी ने तो बोल दिया राम राज्य लेकर आएंगे, राम राज्य के लिए मंदिर भी बनवा रहे हैं, तो तोड़ने की बात कैसे? देखिए, राम राज्य की बात अगर आप करना चाहते हैं तो राम राज्य कैसा चाहिए, उस राम राज्य की कल्पना क्या है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। राम राज्य कैसे आएगा? क्या राम राज्य वो होगा जहां पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है? मैं गुजरात गया था, गुजरात के अंदर 5,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, सरकारी स्कूलों को। 5.5 करोड़ की जनता है गुजरात की, 3 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटा जा रहा है। अब एक बात बताइए, जब 3 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है तो ऐसा राम राज्य हम क्या करेंगे? हमें लोग चाहिए, एम्पावर्ड लोग चाहिए, जिनकी एजुकेशन का लेवल हाई हो, जो खुद अपना रोजगार करना जानते हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, अपना रोजगार खुद अर्जित करना। सरकार तो मदद कर रही है ना, वो मना थोड़ी कर रही है किसी इंसान को कि वो रोजगार ना करे। रोजगार कैसे होगा? संसाधन देने पड़ेंगे आपको। कहाँ है संसाधन? संसाधन मिसिंग है। देखिए, संबान की बात करते हैं तो अभी कल की खबर है, मीडिया 142वें पायदान से 150वें पायदान पे पहुंच चुका है भारत का मीडिया, आज़ादी के मामले में, स्वतंत्रता के मामले में। तो ये तो आप ही बताएंगे, जहां जहां से लाइन शुरू हो रही है, जहां से आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल, अभी तो देखते जाइए, अभी भी मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि विकास हो चुका है, नहीं तो अभी 2024 दूर है और विकास अभी बाकी है। तो हम अभी 2024 के बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 2024 तक विकास होना बाकी है, विकास अभी पैदा होगा, विकास आपको दिखेगा। जब तक देश का हर व्यक्ति विकास को स्वीकार ना कर ले, तब तक विकास जारी रहेगा। इसलिए बेहतर है कि 50 रुपये 100 रुपये के सिलेंडर को छोड़िए, विकास को स्वीकार कर लीजिए कि अब हम अखंड भारत में जी रहे हैं। अच्छा, ऐसा बोला है, तो चलिए हम प्रधानमंत्री जी से पूछ लेंगे एक बार कि ऐसा क्यों बोला है। वैसे तो इतनी बात भी वो मीडिया में नहीं बोलते हैं आकर, लेकिन इतना भी बोला तो वो बोला गया है कि जो हमारे देश के सम्मानित पत्रकार हैं उनको जर्मनी में एंट्री नहीं दी गई है। तो आप सभी साथी जो हैं उनसे ज़्यादा सम्मानित हैं जनता की नज़रों में, देश की जनता की नज़रों में। सर, ये आज की तारीख में हर उस व्यक्ति को कुचलने की तैयारी है जो एकत्रित नहीं है। अगर आप अकेले होंगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। जंगल में, अगर आप गुरु चाणक्य को पढ़ा है आपने, तो जंगल में सबसे पहले केवल सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो ज़्यादा सीधे मत रहिए, आप सब लोग एकत्रित रहिए। एकत्रित रहेंगे तो आप एक दूसरे के लिए आवाज़ उठा पाएंगे। अब आपने देखा होगा, पुनिया जो पत्रकार थे हरियाणा के, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उनको जेल में डाल दिया गया था, तो उनकी आवाज पत्रकार साथियों ने उठाई थी, तभी उनको सरकार ने छोड़ा, नहीं तो उनको भी जमानत मिली। बिल्कुल हो रहा है। अगर आप पुलवामा की बात करें, मैं अभी कश्मीर होकर आया हूँ, पुलवामा में जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ वहाँ पर 10 सेकंड के लिए भी आप गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। 10 सेकंड के लिए आप गाड़ी नहीं रोक सकते, और 50 किलोमीटर तक यू टर्न नहीं है उस रोड पे। ऐसी जगह पर 300 किलो आरडीएक्स लेकर एक गाड़ी आ जाती है और वो सेना के काफिले में टकरा जाती है। असंभव है, असंभव। जांच होनी चाहिए। मैं सुरक्षा पे सवाल बिल्कुल उठा रहा हूँ, सरकार पे सवाल है, क्योंकि जांच से भाग रही है सरकार। जब तक जांच नहीं होगी तब तक जनता को विश्वास नहीं आएगा। और ऐसी बहुत सी घटनाएं मैं कश्मीर से लिए बैठा हूँ, जिनकी जांच 2024 में आने वाली क्रांति, जो इस जनता, ये जो इस देश की जनता लीड करेगी, एक एक विषय पर देश की जनता जांच करवाएगी। क्रांति आने वाली, बिल्कुल पूरे देश में क्रांति आने वाली। 2024 में तो सत्ता परिवर्तन तय है, व्यवस्था परिवर्तन तय है। क्रांति आपको अगर आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर पूरे देश में दिखेगी, और बहुत जल्दी जो ले रहे हैं लेने दीजिए। सबसे बेहतर तरीका होता है कि अगर आप किसी सामने वाले के शोर को बंद करना चाहते हैं, या तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए या उससे बड़ा शोर क्रिएट कर दीजिए। तो मुझे अपने साथियों के ऊपर, क्रांति कहां आ रही है, चार राज्य में तो जीत गई। मैं अपनी बात रख रहा हूं, उसके बाद आपकी बात का जवाब दूंगा। आप सभी साथी अगर वाकई में देश को बचाने के काम पर जुटे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि जब आप यहां इन साथियों की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी साथी इस देश की जो आने वाली क्रांति है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और मैडम का जो सवाल था आपने, जो मुझे पूछा, क्या पूछा था मैडम, दोबारा पूछेंगे? आप बोले क्रांति आने वाली है और 2024 में सत्ता परिवर्तन होगी जी, फिर 2022 में चुनाव में क्यों नहीं दिखता वो? देखिए मैडम, ऐसा है कि 24 में क्यों दिखेगा, 22 में क्यों नहीं दिखता, 2019 में चले जाइए। हर व्यक्ति क्या कह रहा था, मोदी नहीं तो और कौन, ये सवाल किस लिए था? क्योंकि सत्ता में कोई दूसरा था नहीं, दिख नहीं रहा था। अभी अरविंद केजरीवाल पंजाब में दिखे हैं ना,
एक मोबाइल ठीक करने वाले व्यक्ति को सत्ता दे दी जाती है जनता के द्वारा इस विश्वास के ऊपर कि मैं बता रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ और ऐसी एक बात मैंने बोली लेकिन 10 बातें ऐसी भी बोलने के लिए तैयार हूँ जहाँ पर आम आदमी पार्टी गलत कर रही है। तो इसका मतलब एक बात को ये नहीं ले लेना चाहिए कि ये आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को भेजा गया हम उनके बिल्कुल खिलाफ है। राज्यसभा में जिन लोगों को भेजा गया बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए था। आम लोगों को जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक परिवर्तन लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, लगातार जो सरकार है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जो इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, जो पीड़ित लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने दुख दर्द को लेकर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनकी मांगें उठाई जानी चाहिए और जिस तरह से योजनाएँ बनाई जाती हैं लेकिन उसे ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है, जो इनकी समस्याएं हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं। नक्सल पीड़ित परिवार हैं यहाँ पे, किसने अपने घर वालों को खोया है, माँ बहन को खोया है, पिता को खोया है, अपने भाइयों को खोया है, लेकिन जो वहाँ का प्रशासन है वो भी डरता है नक्सली एरियो में जाने के लिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार सरकार से ये अपील भी कर रहे हैं कि इनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। मैं एनसीपी कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए जनता मंदिर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।